जैविक फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज हमें कॉल आया है, एक नील गाय है जिसका पैर डिसलोकेट हो गया है और वो सेमी एडल्ट है। अभी हम जा रहे हैं, हमने नंदी पार्क गौशाला से हेल्प मांगी है ताकि उनका बड़ा सा व्हीकल आके उसे रेस्क्यू कर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तक पहुंचा सके। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि हम इस रेस्क्यू को किस तरीके से अंजाम दे सकते हैं या किस तरीके से इसे पूरा करते हैं। आप लोग देखते रहिए। लग रहा है कि हमने 2-2.5 घंटे उस बेचारे नील गाय को ढूंढते हमारे को 2-2.5 घंटे हो गए थे और वो मिला नहीं। हमने अपनी उम्मीद छोड़ दी और हम वापस जा रहे हैं और मॉर्निंग का वेट करते हैं। अगर मॉर्निंग में वो नज़र आता है या वैसे भी हम आके एक बार यहाँ पे चक्कर मारेंगे ताकि वो मिल सके और हम उसे रेस्क्यू कर हॉस्पिटल। फाइनली अभी दोबारा से कॉल आया, खुशी दोबारा से आ गई कि वो उन्हें दिख गया है और दो फौजी भाई वहाँ खड़े हुए हैं, उन्हें दिख रहा है वो। अब हम जाते हैं, उसे रेस्क्यू करते हैं और हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। टॉर्च दे दो। हाँ, ये कटीली तारों का ही है। हाँ, गाड़ी आ रही है। मैमल्स में क्या दिक्कत होती है पता है? मैमल्स को हार्ट अटैक आ जाता है अगर इसको ब्लाइंड फोल्ड ना करे ना, और हम इतने सारे लोग इसके बिल्कुल पास खड़े होकर बात करें तो इसे हार्ट अटैक आ जाएगा। दीपक इधर आ, छोड़ दे, दे दो वो मेरे को। इधर आऊं? Thank you.
बटीली बांध दे भाई। सो फाइनली हमने उसे रेस्क्यू कर लिया। 2-2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद वो इन दी एंड हमें मिला। हमने तो एक टाइम पे होप छोड़ ही दिया था कि वो हमें मिल भी पाएगा या ना मिल नहीं मिल पाएगा, पर वो मिला क्योंकि उसका आगे का जीवन था, इसीलिए वो हमें मिला और हमने उसे रेस्क्यू किया। अभी नंदी पार्क गौशाला भिजवाया है उसे आज के लिए, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है। कल मॉर्निंग होती है हम उसे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट शिफ्ट कर देंगे ताकि वहाँ उसका ट्रीटमेंट हो सके। रेस्क्यू करी हुई जो नीलगाय थी हमने उसे नंदी पार्क गौशाला भिजवा दिया था, बट अभी हमने वहाँ से मंगवा के इसको प्रॉपर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल भिजवाने के लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की गाड़ी बुलवाई है और वो इसे यहाँ से लेकर जाके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट होगा। जब ये ठीक हो जाएगी इसको दोबारा वाइल्ड में रिलीज कर दिया जाएगा।